हेलो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से हिंदी में कैसे टाइप करेंगे, या हिंदी से इंग्लिश कैसे टाइप करेंगे, या इंग्लिश से सिंपली हिंदी में कैसे टाइप करेंगे। तो गाइज, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती होती है, हमारा जनरल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा कल्चर है, हमें हिंदी लैंग्वेज पसंद है और हमारी मातृभाषा है, इसकी वजह से हमें हिंदी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लगती है और हम उसी को यूज़ करते हैं। तो गाइज, हिंदी लैंग्वेज होने के बावजूद अगर हम हमारे फ्रेंड्स को कोई आउट ऑफ कंट्री है या कोई NRI है उसके साथ बात करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे तो हिंदी ही, मतलब उसका जो ट्रांसलेट हो जाएगा, जैसे कि आपने गूगल ट्रांसलेट सुना होगा, कुछ इसी तरह वो इंग्लिश में टाइप हो जाएगा। तो उस तरह का चैटिंग वगैरह हम कैसे करेंगे उसके बारे में आज का वीडियो है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको सिंपल भाषा में, जैसे कि हम सिंपल भाषा में लिखते हैं किसी को कैसे हो, जिसका स्पेलिंग होता है KESEHO, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इंग्लिश के किसी भी वर्ड को हम हिंदी में कैसे लाएंगे। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस करने के लिए हमें सिंपली एक ऐप की ज़रूरत होगी, जिसे हम बोलते हैं जीबोर्ड। जो ये ऐप है फ्रेंड्स, जीबोर्ड को मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली ऐप है जीबोर्ड, इसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है तो आपको इसको डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनबिल्ट मिल जाएगी आपको वीवो के फ़ोन में। तो इसे कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल हम कर देते हैं, ये देखिए, इस बंदे को हम चैटिंग करते हैं। और यहाँ पे चैटिंग करते हैं, सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा में जैसे कि हिंदी में लिखते हैं, वैसे ही हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि कैसे हो, कुछ इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से लिखा है। बट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इस तरह का कीबोर्ड, अगर आप जीबोर्ड को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसकी सेटिंग वगैरह है, एलो कर लेना है, कुछ सेटिंग में आपको पता ना चले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बताना, मैं आपको जरूर से समझा दूंगा। और इसके बाद आपको ये सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे ट्रांसलेट तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, हमें इसे इनेबल कर लेना है, ये ट्रांसलेट वाला। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश लिखेंगे तो हिंदी ट्रांसलेट हो जाएगा, जैसे कि कैसे हो, ये देखिए पूरा हो गया, सेंड कर देते हैं। अब करते हैं, हिंदी में टाइप करते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि कैसे हो आप सब, ये देखिए हिंदी में हमने लिखा और वो टाइप हो गए इंग्लिश में, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से आप हिंदी का सेंटेंस को इंग्लिश में और इंग्लिश का सेंटेंस को हिंदी में सिंपल वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में ही लिखा है, जैसे हम चैटिंग में करते हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं किसी को, उसी तरह का चैटिंग करना है, बट उसका जो ट्रांसलेट है वो हो जाएगा। आप किसी भी इंग्लिश बंदे के साथ अच्छे से चैटिंग कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये जीबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करना है उसकी प्रोसेस नहीं पता है तो आप मुझे सिंपली कमेंट करना, मैं इसके बारे में आपको अगर सेपरेट वीडियो बना के दूंगा और सब कुछ उसमें बताऊंगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा के बिल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।